बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे बिजली के बिलों की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। बिजली का बिल और आपके इस्तेमाल शुदा यूनिट तो एक तरफ रह गए, बिजली के बिल में शामिल जो टैक्सेस हैं उसने आवाम का जीना महाल किया हुआ है। हाल ही में बिजली के बिल आने के बाद दो अफसोसनाक तरीन वाक़े जो हैं रिपोर्ट हो चुके हैं। गुजरांवाला में एक बड़े भाई ने छोटे भाई को खंजर के वार से मार दिया जब उनके घर का बिजली का बिल आया और वो भाई बिजली का बिल उतारने से कासिर था। और दूसरे अफसोसनाक वाक्य में गुजरांवाला की एक शहरी, उसने अपने इलाज की रकम से जब बिजली का बिल अदा कर दिया तो उसके जीने का मकसद ख़त्म हो गया और उसने नाले में कूद के अपनी जान दे दी। क्या इस चीज़ का सवाल हमारे हुक्मरानों से भी होगा या नहीं होगा? छः माह पहले तक जब ये लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे और आवाम को सुहाने ख्वाब दिखा रहे थे, उस वक्त मरियम नवाज साहिबा ने ऐलान किया था कि 200 यूनिट तक बिजली के जो यूनिट्स हैं वो आम सार्फीन को मुफ्त दिए जाएंगे। और आप जब बिजली का बिल दुकान पे जमा करवाने जाएंगे तो दुकानदार आपसे ये कहेगा कि आपका बिल तो हुकूमत पंजाब ने जमा करवा दिया, अब पंजाब हुकूमत क्यों मेरा बिल जमा नहीं करवा रही? बिलावल भुट्टो साहब ने यह दावा किया था कि अगर वो हुकूमत में आते हैं तो 300 यूनिट तक मुफ्त देंगे। कैसी बात है कि आज मरियम नवाज साहिबा भी हुकूमत में है, बिलावल साहब भी हुकूमत में है, लेकिन ना हमें 200 यूनिट मुफ्त मिल रहे हैं जो मरियम साहिबा ने वादा कर रखा था और ना वो 300 यूनिट मुफ्त मिल रहे हैं जो बिलावल भुट्टो साहब ने हमसे वादा कर रखा था। वो कहाँ गए वो 200 यूनिट, वो कहाँ गए 300 यूनिट? हम ये 200-300 यूनिट के बाइस लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, अपने बच्चों को अपने भाइयों को मारने में मजबूर हैं और ये वो यूनिट हैं जो अरबाब इख्तियार ने हमें मुफ्त देने थे। कहाँ गए वो ऐलानात, कहाँ गए वो कस्मे वादे, आवाम कहाँ खड़ी है? आइए आज के प्रोग्राम का बकायदा आगाज करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? कामरान। कामरान भाई, कैसे मामला चल रहे हैं, क्या हालात चल रहे हैं? भाई जन, हालात ऐसे चल रहे हैं कि अल्लाह पाक ये जो निज़ाम चला रहा है हमारे मुल्क का, लेकिन हमारे मुल्क में बिलों ने इतना का हमारा नाक में दम दे दिया हुआ है गरीब आवाम को कि आवाम किसी जोगे नहीं रहेगी। आवाम घर में किराया देगी या बिल जमा कराएगी? अब बिल बिजली के जमा करा रही है, अभी गैस नहीं आती, गैस के बिल भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब ये मेरा बिल है, एक होता है 200 यूनिट, उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा था कि हम फ्री करें, मरियम नवाज साहब ने कहा था कि फ्री देंगे, फ्री आपको नहीं दे रही सर, फ्री नहीं मिल रहे, फ्री तो देने की लगा सीधा, मेरे 193 यूनिट है, उन्होंने 206 यूनिट कर दिए मेरे। कैसे? ये देखें, ये देखें, ये कैमरा दिखाना चाहते तो कैमरा जी कैमरे पे भी दिखाते हैं। ये देखें, सॉरी, ये दो बिल है, इस पे भी है, ये भी है। जी जी, ठीक है, ये 206 यूनिट है। हाँ जी, हाँ जी, इसको कैलकुलेशन कर लो, ये जो तस्वीर है इसको कैलकुलेशन करें, ये 193 यूनिट हमारे बन रहे हैं। एक मिनट दिखाएं जरा जी, यहाँ पे आपके 206 यूनिट लिखे हुए हैं, लेकिन आपकी जो प्रीवियस रीडिंग और हाँ ठीक है, उसके मुताबिक देखें 193 यूनिट मेरे बन रहे हैं। अब मुझे 200 की कैटेगरी में डाल दिया उन्होंने, अब 200 की कैटेगरी का मतलब है मुझे 5 से 6 महीने मुझे बिल देना ही पड़ेगा मेरा। अगर जो मिसाल के तौर पर 183 यूनिट या 190 यूनिट सड़ेंगे मेरे, तो मुझे 200 के ही बिल के पैसे देने पड़ेंगे। कितना बिल कितना आया आपका? ये देखिए, अच्छा, 200 यूनिट का आपको बिल आया 8,670 रुपए और जुर्माने के साथ तकरीबन 9,375 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या चलाते हैं सर? घर में जाके देखे, एक स्टैंड फैन है और एक दूसरा छत वाला फैन है। जब देखते हैं गर्मी ज्यादा लग रही है तो स्टैंड फैन लगा लेते हैं, तो छत वाला पंखा चल रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। घर में फ्रिज है, फ्रिज तो चलना ही चलना है, गरीब बंदा हो या अमीर हो, उसने फ्रिज तो चलाने चलना है। अगर मरियम नवाज साहिबा 200 यूनिट मुफ्त देती तो आपका तो बिल ही नहीं आना था भाई। बिल ये कौन सी, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम एक बिल, वो बिल तो घरों में से ऐसे निकलवाते हैं जैसे निकलवाने का हक है उनका। वो कहते हैं भाई बिजली इस्तेमाल कर रहे हो ना, बिल नहीं जमा कराओगे मीटर उतार के ले जाएंगे। मीटर बल्कि हमारी अपनी मलकियत होती है, जब हम लेने जाते हैं मीटर, वो कहते हैं भाई मीटर के पैसे दो फिर मीटर लगेगा आपका। जब उतारने के लिए आते हैं उतार के ले जाते हैं, पता भी नहीं चलता कब उतार के लेके गए हैं। फिर कैसे कैसे जमा करवा रहे हैं, क्या मामला है, मसला क्या आ रहा है? गरीब बंदा क्या करेगा, किसी क्या करते आप? मैं ये सारे सामने गाड़ियों का काम करता हूँ, गाड़ी में मजदूरी करता हूँ, रोज की दो गाड़ियाँ कर ली या एक गाड़ी कर ली या तीन गाड़ियाँ कर ली। मैकेनिक है आप? मैकेनिक हूँ मैं। अच्छा। ठीक है, गाड़ी के मजदूरी के पैसे मिलते हैं मुझे, 1,000 रुपये मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा, 1,500 मिल जाएगा मिसाल के तौर पर रोज के अंदर, लेकिन रोज में रूटीन ये नहीं चल रही हमारी। ठीक है, रोज में रूटीन हमारी चल रही है एक गाड़ी या दो गाड़ियों की। ठीक है, अब 500-1,000 रुपये मैं घर में बच्चों को दूध पिलाऊंगा, राशन लेके जाऊंगा या बिल जमा कराऊंगा, क्या करूंगा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, मजबूरन किसी के आगे, किसी भी दुकानदार के पास मैं जाता हूँ, कहता हूँ यार मुझे मेरे बिल जमा कराना है, मुझे पैसे दो। वो कहता है भाई काम करो, पैसे मिलेंगे, वरना पैसे कोई नहीं है, हम अपना देखें, घर को देखिए, तुम्हारा घर चलाएं, किसको चलाएंगे हम? हमने ना दुकानदार से कोई पैसा लेना है, ना किसी दुकानदार को कोई पैसा देना है, अपनी मदद आपके तहत हमने यहाँ पे काम करना है। शुक्र अदा करें, आपको 10,000 भेजा है, ये कोई 1,00,000 भेज देते फिर क्या करते आप?
आया हुआ है सब देख रहे हैं, मीडिया सब कुछ दिखा रहा है, लेकिन आया आता बिल, लेकिन उसके अलावा क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। बिल ही है ना हमारा कि हमने बिलों को क्या करना है, मैनेजमेंट करने के लिए हमें देख रहे हैं 193 यूनिट सड़े हैं एक माह के अंदर, 193 यूनिट सड़े हैं। क्या जी आपकी रीडिंग एक दिन पहले लेके चले गए हैं, अब ये मीटर रीडर का कसूर है या हमारा कसूर है? हाँ ये बड़ा मसला है कि एक दिन लेट किया तो मेरे यूनिट ज्यादा कर रहे हैं, पहले लेके जा रहे हैं तो तभी यूनिट ज्यादा डाल रहे हैं, फिर वो अंदाजन डालेंगे। वो कंप्यूटर ने कह दिया फिक्स कर दिया, तो एक माह का बिल आपको ये पढ़ने यूनिट। कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे हैं। कौन से स्कूल में जा रहे हैं? ये एक छोटा बच्चा है, एक बच्ची है जो अभी ट्यूशन पढ़ रही है, वैसे पढ़ नहीं रही, स्कूल नहीं जा रही अभी। अच्छा तो मुश्किल मामला सर, जाहिर सी बात है मुश्किल मामला चल रहे हैं ना इस टाइम पे, क्या करेंगे? तो सुभाष साहब आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा बड़ी मेहनत कर रही हैं, सारा पानी निकाल दिया यहाँ का। पानी कहाँ गया? आए मैं दिखाता हूँ आपको, लारीडे में आए क्या जी, पानी कल इकट्ठा हुआ है, मेरी जहाँ पे रहायश है, मेरी लारीडे की रहायश है, पानी इकट्ठा हुआ, पता लगा कि बीच में पाइप भी फट गया, और वो पाइप कहाँ से फटा पता ही नहीं चल रहा किसी को, ना वासा को पता चल रहा, पानी वही घरों के अंदर। तो मरियम नवाज साहिबा ने जो तस्वीरें लगाई थी कि इलाके क्लियर हो गए सर, इलाके में आपका इलाका नहीं लगाया सर? इलाका क्लियर किया, मेन रोड क्लियर की हुई, घाटी तो सारी पानी के अंदर उधर जा रही है ना, मेन रोड क्लियर कर दिया, क्लियर है, बाकी आवाम के जो इलाके हैं वो जेरे आब आ गए, वो जेरे आब आ गए, वो सारा ऊपर कर दिया सारा इलाका, नीचे पानी आ रहा सारा, ये चल रहा है सिस्टम, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। बिल जो उनसे बिलों को ये गवर्नमेंट चाहिए टैक्स कम से कम कम कर दे, बिल आ रहे हैं, बिल देने के लिए तैयार भी होते हैं, कहते हैं यार चलो किसी मांग दांगे कर लेंगे गुजारा, लेकिन जो टैक्स डलते हैं ना जितने यूनिट छटते हैं कम से कम उतने यूनिट तो रहने दो, जो एक्स्ट्रा यूनिट डालते हो वो तो ना करो ना हम लोगों के साथ, गरीब बंदों को कम से कम जीने दो। क्या हाल है जी, खैरियत है जी? बिल्कुल ठीक। कैसे चल रहे हैं हालात मामला? फिर भी दसो, फिर भी किस तरह चल रहे मामला, ठीक चल रहा है? आपको बताएं या हुकूमत को बताएं? सर हुकूमत को भी बताएंगे, हम तो कोशिश कर सकते हैं, होना क्या है, कोशिश कर सकते हैं, कोई रोना रो सकते हैं, अपना को मातम कर सकते हैं। कैसे मामला चल रहे हैं? मामला क्या चल रहे हैं, 29,000 मेरी सैलरी है और 57,000 का बिल था। 29,000 रुपये सैलरी है और 57,000 का बिल था। 57,000 रुपये बिल आया, ये तो आपकी दो सैलरियों को जितना बिल आ गया। हाँ जी। तो फिर कैसे जमा करवाया? घर का पंखा बेचा है, लोगों से उधार लिए हैं और अब फाके हैं। 60,000 क्या है? आपको एसी चला रहे थे क्या? कोई क्या फैक्ट्री लगाई है? दो पंखे चलते हैं, फ्रिज है और मोटर चलती है, ये जो आम जिंदगी की चीजें। 60,000 बिल आ गया। हाँ जी। क्या इजाफी आ गया या ठीक आया, क्या हुआ? दो माह का बिल है और दो माह का बिल है। हाँ जी। कुछ पैसे मैंने जमा करके रखे थे, एक मेरी सैलरी थी, एक पंखा बेचा, कुछ लोगों से उधार लिया। अब 2 किलो आटा आता है पर डे में और पहिया की, रोज 2 किलो आटा और पहिया की आ रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे, 2 किलो आटा और एक पाव घी। जी बिल्कुल। कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस खुदा है, इनसे तो होगा नहीं, इनके पेट बड़े हैं, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, किसी की भी हो, बुजुर्ग के पेट बड़े हैं, वो नहीं भर सकते, और ये अगर भरने हैं तो वो हम लोगों ने अपने पेट काट के उनको देने, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। यार 60,000 रुपया तकरीबन आपने बिल दिया, 57,000 आप कह रहे हैं, 29,000 आपकी सैलरी है, ये आपने क्या, ये मुझे तो ये समझाएं इसको, आगे को इसका बजट बना के दे, इसका 60,000 के करीब बिल आया है और इसकी 29 से 30,000 रुपया बता रहा सैलरी है, इसकी 2 माह की जो सैलरी है उसका बिजली का बिल आ गया। अच्छा। कैसे घर फिर कैसे चला रहे हैं? मांग कर। कौन सा जादू है आप लोगों के पास? लोगों से मांग, अल्लाह ताला से मांग। बच्चे ख्वाहिश नहीं करते कि कोई गर्मी में फल सोख शाम के होते हैं? जहाँ तक मुझे याद है कि मैं रिसेंटली 6 माह पहले तो फ्रूट लेके गया हूँ। 6 माह पहले फ्रूट का? 6 माह पहले फ्रूट का। क्या उम्र आपके बच्चों की? बड़े बेटी है 20 साल की, छोटी 10 साल की है, और उससे छोटा है 8 साल का और 6 साल का। छोटे बच्चे करते होंगे जी? तो करते हैं जी, क्या करें, अब समझा दिया जाता है कि कल ले आएंगे और वो कल नहीं आती। वो कल नहीं आती? वो कल 6 माह हो गए नहीं आई फल वाले? नहीं आई। बच्चे पढ़ा रहे हैं? जी पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में? और एक प्रेप में और एक 2 क्लास में। गवर्नमेंट स्कूल या किस तरह? मैं समझ नहीं पा रहा कि आप कैसे फीसिस कैसे देते होंगे, गैस का बिल कैसे देते होंगे, घर का जो दूसरे मामला आते हैं खाना पीना कपड़े, कोई शादी, कोई बहन भाई का कोई इवेंट, कुछ भी नहीं होता है। कोई ऐसे कोई इवेंट्स नहीं है, कोई ऐसे मामला नहीं है जहाँ पे मैं जाता हूँ।
फोन आपने कौन सा रखा है? आप लोग जो है ना बातें वैसे करते हैं कि ये मामला आता है आप लोग। मेरे पास फोन है, ये भी मेरे भाई ने कल लेके दिया। आपके पास टच मोबाइल नहीं है? कुछ भी नहीं। देखें जरा दोबारा चेक करें, ये मेरी पॉकेट देख लें। आपने इस दौर में ये फोन रखा हुआ है? जी, ये नया फोन है, 2500 रुपए का लिया मैंने, और ये भी मेरे भाई ने 2 दिन के बाद मुझे लेके दिया। क्या कहना चाहेंगे जो अरबाब इख्तियार हैं? उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने पेट को और बड़ा कर लें, हम लोग तैयार हैं अपना खून भी पिलाने के लिए। कितना अरसा इसी तरह चलेगा कि उधार ले लिया, बिल जमा करा दिया, उधार लेके घर का राशन डलवा लिया, एक दिन तो वो उधार भी वापस देना? जब तक मिट्टी के नीचे नहीं आते तब तक तो ये चलेगा, उससे पहले तो ऐसे ही है। हाँ जी, की हाल है जनाब? की हाल है और सुनाओ, ठीक? की सारे शिकायत कर रहे ने सर जी, सारे जिहड़े सब तो पहले जनाब रल मिल के हुकूमत नु बदनाम कर रहे हो। असी सर जी अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल लजीना आमनु लिमा तकूलूना मा ला तफअलून, ए मेरे बद्दो क्यों वो बात कहते हो आप नहीं करते? सर जी की गल, आज गल बयान हो रहे कल हो रहे, मैं इथे दारुल उलूम हिजबुल नाफ मरकजी दारुल उलूम दात दरबार है, उथे मैं रह रहा जी, उथे मैं पीर साहिबां दा मुरीद, उथे मैं पक्का पक्का रह रहा। ते हज़रत साहब होरी बड़े माशाल्लाह 100-150 तादाद है, बड़े उलम, बड़ी मुश्किल ना वक्त सरदा है आवाज उठाते हो, लेकिन उन्हें सुन लेना बस करना कोशिश कर सकने ना, असी तो कोशिश कर, अल्लाह ताला तुम जिदाय खैर देवे, सारे पीसा में बड़ा कर रहे ने, लेकिन बंदा करे की? 150 बंदे ने हिफाज़त करवा रहे ने, फिर मौलवी बन दे मेरे, अल्लाह आसानी पैदा करे, बहुत है ना, बस दुआ करो अल्लाह ताला से। उसका जो है ना वो मौत भी का नाम देखो सईद हद्दर मुसवर जी साहब, बहुत मोबाइल उम्र बहुत काम कर रहे हैं, उनकी भी दुआ आप भी करें। आमीन आमीन, माशाल्लाह बड़ी मेहरबानी आप पता। आमीन। अब बाबा जी रक्षा तोड़ा रोड ते लगया है ते चौक के कोई लै गया ते फिर नजर ਇਨ ਹਫਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਟੁਈ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੀ? ਅੱਛਾ 3 ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਮਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵੀ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਣ ਹੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫੇਰ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਏ ਨੇ? ਸਵੇਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਲ 700 ਰੁਪਏ ਵਟਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 7 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਹੀ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਪਾਵਾ ਕਿ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰੱਖੇਦਾ? 500 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ। जान बुझ के हुकूमत नूं बदनाम करन दी कोशिश कर रहे हो? हुकूमत नूं बदनाम करन दी? हुकूमत असीं की बदनाम, साडे बदनाम करन नाल की होणा यार? साडे ओह सियासतदानां नूं बदनाम करन नाल असीं की करना? साडी दिहाड़ी लगदी असीं कहांगे यार शुक्र है अल्लाह दा टोटल 2 महीने का हो गया है। मैं 2-3 दिन ना जमा करा, मेरा मीटर लखना है, 2 महीने पूरे हो जाए तो मीटर किसने भी ला सकते हैं? जो भी मीटर ना करे तो तेरी मेहरबानी, 2-4 दिन खुल जाए, तेरे वर्ग के भरा किसी कह यार थोड़ी हेल्प कर, वो कोई हेल्प कर दे तो जमा करा देना। भाई जी तुम कहते हो कि गवर्नमेंट करा, असं गवर्नमेंट सियासतदानों ने करना, असं की करना? साड़ी दिहाड़ी लगे अभी अभी स्कूल हर टेंशन ही कोई नहीं। नहीं तो किसी को उधार चुके जमा कराओ, किस तरह कराओ तो उधार किस तरह लाओगे? फिर खर्चा कढ़ के 3 हफ्ते रेड होया
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਅਡ ਬਿਲੀਅਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਬਿਲੀਅਡ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਨੌਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਨ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਖਾਈਏ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਆਖੋ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਏ बिल पै रहे जुलम हो रहा एसी नहीं लगा मेरे घर आपके सामने ही है प्यार रखे है बिल्कुल A1 खड़े है एक आपको चेन पहना दी जाए तो पूरे हीरो लग रहे हैं ये कौन से खराब हालात तो मेरा अल्लाह ने नसीब बनाया ना जो मेरे किस्मत में है क्या ये स्टेट हमारी क्या दे रही है इसका आप मुझे जवाब हालात क्या चल रहे हैं बताएं हालात इतने बुरे हैं सुबह से लेकर शाम तक कमाने के लिए आते हैं यकीन करोगे इतने बुरे हालात हैं कि घर के खर्चे बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं क्या बताएं आप क्या काम करते हैं आप मैं सेलमैन हूं सेलमैन कौन से इलेक्ट्रॉनिक से अच्छा तो क्या मसाइल क्या हैं मसाइल ये हैं कि हमारी स्टेट हमारे बारे में सोच ही नहीं रही हमारे जो हुक्मरान हैं हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे कहते कुछ हैं करते कुछ हैं जब उन्होंने बोल लेना सोच रहे हैं कह रहे हैं आईएमएफ प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं आईएमएफ की आप अगर बात कर रहे हैं ना मुझे ये बताएं ना आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ हमारे लिए है इनके अपने लिए नहीं है क्या आपको याद नहीं है कि इन्होंने आईएमएफ ने जो शर्तें रखी थी कि अपनी जो अशराफिया है अपनी जो इनकी ब्यूरोक्रेसी है उनके अखराजात कम करें ये वो क्यों नहीं कम करते देखें मेरी बात सुने दूसरे मुल्कों के जो सिस्टम है ना स्टेट का और अवाम का एक दूसरे पे इत्माद होता है उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि एक तरीके से लेवल रख के चला जाता है ये अगर अपनी शाफिया अपने जो ब्यूरोक्रेसी जो इनकी है जिनको जितनी इनको सहूलतें दी हैं अगर वो कम करें तो हम भी इनका साथ दें हमें पता ही नहीं हम आराम डे बाई डे गड़े में फंसे जा रहे हैं और ये आगे बातें करते हैं कि हम मुल्क को बड़े अच्छे तरीके से रखना बिल आया आपका मेरा बिल आया 17,000 रुपया 5,500 बिल आता था 17,000 रुपया बिल है मुझे बताया ना मैं कहाँ से बिल दूँ ये देंगे ये झूठे वादे कोई झूठ होता है जिसका सर पाँव होता है इनके झूठ का तो सर पाँव ही नहीं है ये हमारी सीएम साहब बोलती थी कि 200 यूनिट जिनको होगा कितनी कितनी बड़ी बातें करती थी कोई शर्म नहीं आती ये, नहीं? ये मीडिया नहीं देखते ये कौन सा मीडिया देखते हैं उसके ऊपर 5 यूनिट ज्यादा करके उसका टैरिफ बढ़ा दिया ये झूठ और मुनाफकत का गढ़ है पाकिस्तान का भी कोई सर पाँव होता है ये झूठ होता है ये तो यकीन करें लोगों को पागल बनाना होता है ये अपने ये सिर्फ वोट लेने के लिए इस तरह की बातें कर रहे थे वोट लेने के लिए भी बातें कोई बातें होती हैं छह रिक्शे आने दो वाले इकट्ठे हो गए अगर मैं आपको प्रॉपर इसकी डिटेल एक सवारी है एक सवारी आई है तो छह रिक्शे आसपास इकट्ठे हो गए हैं कि यार मैं ले जाऊं मैं ले जाऊं मैं ले जाऊं वो उसके पता क्या आता है कि हमारे पैसे कम हो जाते हैं जहाँ 300 का काम है कंपटीशन आ गया ना कंपटीशन 200 रुपए लूंगा मैं यहाँ बिच मैं तो नई सवारी नहीं मिली ये कर हाँ जी हाँ जी सर आप इंटरनेट ना कीजिएगा सबसे बड़ा जो ये आईपीएस का मसला है ना इसमें इंटरेस्ट है किक्स बैक का अच्छा तीन हुकूमतों ने बेनजीर परवेज मुशर्रफ और सबसे ज्यादा ये नवाज शरीफ की जो 2013 में आई है ये जो मुआहदे किए हैं ना इन इसलिए पीछे नहीं हट सकते कि उन कंपनियों ने अल्लाह वास्ते नहीं इनको बहुत हैवी किक्स बैक दी है ठीक है उनकी कंपनियों की किक्स बैक वापस करें तो वो फिर इनके साथ नेगोशिएट भी करेंगे दूसरी हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन है अच्छा ना इंडिया है ना इसराइल है ना अमेरिका कोई नहीं ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क का उन्होंने 50 साल में कोई डैम लगने दिए कोई रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया पीआईए कहाँ थी कहाँ पहुंचा दी है स्टील मिल बंद है अभी स्टील मिल का रिसेंट आप देखें रशियन काउंसलर कॉन्सुलेट एम्बेसडर कराची में चीफ मिनिस्टर सिंध और गवर्नर से मिला है कि मैं स्टील मिल को बहाल करता हूँ इसकी लाइबिलिटीज भी उतारता हूँ मोहम्मद औरंगजेब साहब वजीर खजाना उन्होंने इनकरी दी स्क्रैप होगी ब्यूरोक्रेसी के कहने पर क्योंकि 19,000 एकड़ जमीन जो है ना उसके ऊपर ये पूरे पाकिस्तान को प्लॉटिंग करके बेच के ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है
मुल्क में कोई 50-60 साल में इंडस्ट्री लगी है। 80s से पहले इंडिया पाकिस्तान से बहुत पीछे था, आज वो दुनिया की सुपर पावर है, G10 का मेंबर है, G20 का है। बांग्लादेश की क्या पोजीशन थी, आज 4th टर्म में ये आई है शेख हसीना वाजिद, आज बांग्लादेश का GDP इंडिया से ऊपर है। चाइना को देखे, हमें तो बदध्यानत बदकिरदार बेईमान हुक्मरान मिले जब से पाकिस्तान बना है। ये एवन फील्ड, ये दुबई प्रॉपर्टी, ये लंदन प्रॉपर्टी, स्विस अकाउंट, ठीक है। कितना बिल आया आपका, इतने गुस्से में क्यों है? मेरे तो बिजनेस वगैरह बंद किया, घर वालों ने 80,000 रुपए का दिया है। 80,000 रुपए बिल जी, गैस डोमेस्टिक बिल जी। क्या कितने एसी लगाए हुए? 2 AC, 2 AC का 80,000 बिल आया जी। यहाँ पे तो बगैर एसी बिलों का 80,000 आ गया, फिर खुश किस्मत है। वो इसलिए कि DHA में घर है। अच्छा ठीक है, वहाँ पर फिर थोड़ा सा ये बेचारे गरीब वादियों मोहल्लों में जिन्होंने 100 यूनिट खर्च किया है ना, उसको 300 यूनिट डालते हैं ये लेफ्ट वाले जो बिजली चोरी करते हैं, वो चोरी वो गरीबों से, जो बिल देगा वो चोरी के भी पैसे देगा। हाँ जी, वो चोर की बिजली के भी पैसे भी दे। ये अभी दो तीन दिनों से UAE और सऊदी अरब में पाकिस्तानियों का जो अब देख रहे हैं ना, वो जो निकाल रहे हैं उम्र कैद दे रहे हैं, ये क्या ठीक है? ये अफगानी जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जो वहाँ पे जाके जराइम कर रहे हैं, बदनाम पाकिस्तान हुआ है, जो हमारे मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं, वो रगड़े में आ रहे हैं। ये दुनिया के किसी मुल्क में आपको सरकारी डॉक्यूमेंट आप इशू करवा सकते हैं? या भाई वो नादरा के अफसरान जो है पैसे ले लेके लाखों रुपए में अफगानियों को उन्होंने पासपोर्ट बेचा है। सर मैं आपके चैनल की तवज्जो से एक बात करना चाहता हूँ, ठीक है? बात ऐसी है कि देखें, अगर ये अपनी सारे पैसे बाहर ले गए हैं, ठीक है, और ये लोगों को कहेंगे यहाँ पे आके कारोबार करें, ऐसे होता है कि अपना पैसा यहाँ पे लेकर आए, यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, हमारे लोगों को एंगेज करें, बिजी करें, तब जाके तो 200 यूनिट मुफ्त दे दे अगर मरियम नवाज साहिबा। सर जिंदगी नहीं दे, मरियम नवाज कहाँ से देगी? 3 दिन से इतना परेशान, दुनिया भर के मीडिया पे चल रही है कि गुजरांवाला में एक गरीब औरत, उसने अपने हर्निया के ऑपरेशन के लिए 10,000 रुपया जमा किया था, 11,000 का उस बेचारी के घर का बिल आया, उसे बिल उतार के गंदे नाले में कूद के अपनी जान दे दी। सियालकोट में भाई ने भाई की गर्दन काट दी, गुजरांवाले में, ठीक है। ये तो एक दो खबरें आपके मीडिया जो आप पहुंच जाता है, रिपोर्ट हो जाता है, पूरे मुल्क में ये खबर है। इंडस्ट्री बंद है, कोई नया कारोबार बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा है, बेरोजगारी फैल रही है। जब इंडस्ट्री नहीं होगी, बाजारों में तजारत नहीं होगी, तो मजदूर को मजदूरी कहाँ से मिलेगी? रक्षा वाला भी रो रहा था, इसको सवारी कहाँ से मिलेगी, लोडिंग कहाँ से मिलेगी? नहीं तो हुकूमत कोशिश नहीं कर रही आप लोगों के लिए, वो कह रही है हम तो दिन रात आप लोगों के लिए। बकवास, मरियम बीबी कहती है हम लोग रोटी नहीं खा रहे, फाके कर रहे हैं। पहली दफा नवाज शरीफ साहब जब आए हैं और जरदारी साहब 88 में जयालक के जाने का, वो तो पाकिस्तान लहलाती फसल थी, स्टील मिल अरूज पे थी, पीआईए अरूज पे थी, सनतें चल रही थी, जगह जगह इंडस्ट्री थी, बाजारों में रौनक थी, कोई ब्लैक मनी का चक्कर नहीं था पाकिस्तान में, कोई प्रॉपर्टी का, गरीब आदमी भी ना किस्त कमेटियां डाल के मकान बना लेता था। इन्होंने रिश्वत का पैसा, किकबैक का पैसा, स्मगलिंग का पैसा, मनशियात का पैसा, वो सारा इन्वेस्ट किया DHA में और बहरिया में। मरियम बीबी कहती हैं कि वज़ीर आला हाउस की कोई इजाफी लाइट चल रही हो तो मैं स्टाफ से कहती हूँ बंद कर दें, कि बिजली बचानी है। मरियम बीबी से बोले कि जाती उमरा का बिल बनाना, इसलिए हजारों एकड़ के ऊपर है जाती उमरा, उसका बिल दिखा दे कितना जमा किया है। अभी तक तो वो लोग सरकारी खजाने में था, वजीर आजम हाउस डिक्लेयर किया हुआ फ्री, इनकी जितनी कोठियां हैं वजीर आला हाउस, वजीर आजम हाउस डिक्लेयर होके सारा एक्सपेंडिचर फ्री। ये लोगों के ये जो हालात है गुर्बत इफलास के, आज से 50 साल पहले नहीं थे, ये मुल्क बहुत खुशहाल था, ठीक है। मस्जिदों के अंदर मैंने अपने बचपन में देखा है, कच्ची मस्जिदें होती थी, रात को खुली होती थी, ठीक है, लोग वहां पर खाना ना पानी रखते थे, मुसाफिर आए सोए खाए पिए चला जाए। आज मस्जिदों में 9 बजे ईशा की नमाज के बाद ताला लग जाता है कि मस्जिदों में चोरियां हो रही है, ठीक है। ये मस्जिद शोदा है, बड़ी जबरदस्त मस्जिद थी। अभी इन्होंने ना जब गर्मी की जब शिद्दत हुई तो इन्होंने AC चलाया है, क्योंकि फंड नहीं था बिल देने के लिए, क्योंकि फंड आता था मार्केट के ताजरों से, कारोबार नहीं है किसी का, कारोबार नहीं। मस्जिदों में कोई हराम पैसा अल्लाह नहीं लगने देता कि रिश्वत का लगे, चोरी का लगे, मनशियात का लगे। बिजनेस इंडस्ट्री यहाँ से लोकल इंडस्ट्री मल्टीनेशनल कंपनियां, पता क्योंकि हमारे मेरा शार्लोट से 40 साल से ट्रेडिंग का वास्ता था, क्योंकि अफगान ट्रांजिट ये हुकूमत करवा रही है, स्मगलिंग का सामान, या मार्केट सारी स्मगल गुड से भरी पड़ी है, कोई इन्वाइसिंग नहीं है, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं, खरबों अरबों रुपए का गवर्नमेंट को 1 रुपया नहीं मिल रहा है, ठीक है। 2 नंबर प्रोडक्ट है, आप लेके उतरे घर जाए फारिग है, कोई इसका वाली वारिस नहीं, कोई ट्रेड कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं। अब कहा था अभी एक हफ्ता पहले खबर चली आपके सारे चैनलों पे चली है कि FBR के दफ्तर में
रिश्वत के पैसों पे अफसरों ने एक दूसरे के ऊपर रिवॉल्वर और पिस्टल और 9mm खोली और फायरिंग हुए दफ्तर के अंदर। गवर्नमेंट ने FIA ने इंक्वायरी कंडक्ट की। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, की हाल है? शुक्र अल्लाह माशाल्लाह। कैप्टन कैप्टन की ना पूरा अपना? अब्दुल मनान। कैप्टन अब्दुल मनान जी जी। ओ मैं देखे तुसी बाइक बाइक ते राइड ते की मामला आते ने की लात ने सारे क्यों की लात ने सारे क्यों कह रहे ने एडे लात खराब ने लात तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਹੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 5-5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਹੋਣ ਜਰਨੈਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਹੋਵੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬੱਟਣਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਲਕ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਅਫਸਰ ਉਨਕੀ ਕਰੇ ਅਫਸਰ ਮੇਰਾ ਜੇ ਬੈਠੇਗਾ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਅਫਸਰ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿੱਤਾ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਫਸਰ ਹੈ जो भी मर्जी कर लो जिन्हें भी आना आना चला जाना सब आई चलाई लगी हुई है निजाम किन्ने कमाए जो सुबह दो कमरे ने किराए का घर है दो कमरे ने एक कूलर लाया 17,995 का बिल आया लोग बड़े परेशान ने लोगों को 50,000 भेजता है जन्म बना दी सब ने जन्म च रहने दुनिया जन्नत रह रहे अगो जाके कहने कबर भी एसी लाइयो दसो दो सो यूनिट दसो जमात इस्लामी निकली है वाम दे लो अठारह हजार सैलरी है ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਲਾ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਰੁਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਘਰ ਦਾ ਭਾਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮੋਟਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਆਟਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਭਾਏ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਆਂਦੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਦਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇੱਕ ਦੋ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸਹੀ ਰਾਤ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾ ਭਰਾਇਓ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 7000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਾ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ 12-1300 ਰੁਪਏ ਭਾਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਯਾਰ ਇਹ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਚਲਾਨ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਵੇ ਚਲਾਨ 200 ਕਰੋ 99 ਵੇ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰੋ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹ ਭਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ 4000 ਰੁਪਿਆ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾਰਡਨ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਵਾਰਡਨ ਨੇ 2000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਠੋਕਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਲਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਿਆ 2000 ਰੁਪਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 4000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨਮ ਸਾਹਿਬ ਮੋਟਰ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2000 ਦਾ ਵਾਰਡਨ ਨੇ ਚਲਾਨ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਉਹ ਭੈਣ ਗੁੱਸਾ ਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਫਾਇਰ ਸਾਨੂੰ ਨੂਲੀ ਹੋ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਫਾਇਰ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਖੰਭਾ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਸਰਵਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੀਟੀਆਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਦੇਖੀ ਫ੍ਰੀ ਜਮਾਲ ਫਿਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਓ ਯਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਦੱਸ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮੇ ਆਟਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਖਾਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਆ ਕਰੇ ਕਿ ਆਟਾ ਸਹੀ ਸੀ
ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਭਾਏ ਨੇ ਉਹ ਆਟਾ ਗੰਦੀ ਗੰਦਮ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣੀ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ दुकान ते उन्हें कहा नहीं कि तुहाडा बिल पंजाब घूमने लाता है मरियम साहिबा ने कहा सी कि तुसी जाओगे ते झोली चुके दुआ मंगदे या अल्लाह ऐसी इबरतनाक मौत दे ऐ जालिमां नूं कोई बंदा भुखा ना मरे और साडे हुक्मरान गरीब सारे मरन अल्लाह ना भाई ना असीं हुण वी कहने सारे भैन भरा सारे वाम बाहर निकले जो उमर बिन खताब चौराहे खड़ा करके पुछा जा सकता है इन्हां दी की औकात हैगी उस तो वध ने फिर लानत ही खानी है इन्होंने हर पास इमरान खान के दौर च 430 रुपए का 10 किलो का थैला सी फिर 650 का होया ते जिहड़ा फ्री आटे की तुसी गल कर रहे जे ना फ्री आटे के तीन तीन तोड़े दे के उस तो बाद इस करके कहा कि वाम आटा लैन ना जाए क्योंकि इन्होंने डबल रेट 1145 रुपये करना सी हर चीज़ के बीच इन्हों करप्शन ही है बिल कि आया बिल मेरा 18,000 रुपये तनखा कि तनखा कि तनखा 34,000 34,000 हाँ जी 18,000 18,000 बिल 11,000 किराया हूँ तुम आप हिसाब ला लो कि पिछले मैं बच्चों की पढ़ाव तो की खुवाव सुबह 6 बजे उठांगे 8 बजे इत्थे पहुंचांगे घर मोटरसाइकिल खड़ी है शुक्र अदा करो तुहानू 34,000 दे रहे ने हां जी 16,000 ते 18,000 हक नहीं दे रहे बिल्कुल लोगों नु हक नहीं दे रहे नहीं मैं एक गल करना मैं भी शुक्र है कि मेरी गल सुन एक हुक्मरान जड़ा है उन्हें कोई 10 रोटियां दे नहीं खानी उन्हें भी 2 खानी है असी भी 2 खानी बजट बना रहा ते खुदा दी लानत है कि जेडे वड्डे अफसर ने जे 17वें ग्रेड तो उत्ते ने उन्हां दी 30% तो साड़ी पिछली बारी 35% की 35% बनी 7,000 रुपया तो उन्हां दी 30% जिदी 10 लाख तनखा उहदी ते 13 लाख हो गई मजदूर की तनखा कम से कम 50,000 रुपया होनी चाहिए गरीब वास्ते कुछ दसो गरीब वास्ते है फ्री है कोई सहूलत दस दो मैं सा नहीं ले रहे सा आने नहीं ने सा की जा ला देंगे पूरा टैक्स लग गया सर पूरा टैक्स भी लग गया पूरा नवा दे लो पूरा टैक्स लग गया सा लेने भी टैक्स लग जाना दुकानदार भरेगा 500 ओए अल्लाह दे बंदे गली मले देखो एडा एडा गंद इन्हां दा पैंपर गंदे हर गल गटर बंद है ओ साफ कर नहीं सकदे ओ भी फिर देखो कैसी सियासत है बिल दे विच पैसे पाणगे मुझे एक बात का जवाब दे देंगे कि मुल्क डिफॉल्टर होने लगा था इमरान खान चोर था ये किस लिए आया उसी के हाथों जलील होने देते हमें मैं खुद नून लीग का हूँ पक्का हाँ पक्का मैंने वोट नहीं दिया इस दफा और दूंगा भी नहीं नवाज शरीफ को बुला के उसकी बत्ती दिखा के इन्होंने वोट ले इनकी तो 10 सीटें नहीं थी 10 सीटें आप नून लीग के पक्का और आप कह रहे नून लीग की 10 सीटें नहीं थी 10 सीटें नहीं थी इनकी जो उन्होंने किया था इन्होंने उसको बुला के सीटें ले ली हैं उसको फिर वो उसको खुद पता मेरे साथ आती हुई है उसको ट्रक की बत्ती के मगर लगा दिया ये जो कर रहे हैं उसका तो मुंह नहीं दिखाने को काबिल किसी के रहे इनको चाहिए था डिफॉल्टर था ना छोड़ देते इनको उसको हाय लग रही थी ना इमरान खान को इनकी बदवाएं लग रही थी लगने देते लोग निकाल के घर से मारते उसको मारते ना जो हाल कर गया वो मारते भाई इन्होंने क्यों अपने पे ले लिया ये जीना आराम लोगों का बिल गैस और ये पेट्रोल अब तो लोगों को पता नहीं जो छुप छुप के पानी का बिल 700 से 1600 का हो गया जो दे रहे हैं ये तो वो ढंग है जो लोगों को पता ही नहीं है कई तो पानी का बिल देते ही नहीं है जो देते हैं उनको पूछो 3 मरले का घर का 700 का बिल था 1500-1600 रुपया कर दिया पानी का 2500 आ रहा भाई बीच में कूड़े के टैक्स चूड़ों के टैक्स सफाई वालों के सारे हम दे रहे हैं
और आता है कोई नहीं गली में, वो एक बंदा खड़ा होता है सुबह 7 बजे आते हैं ना, वो तस्वीर खींचेगा एक जगह की टिक करके, वो आगे सेंड कर देगा, उसके बाद गायब, सफाई वाला भी गायब, वो बंदा भी गायब। वो जो कल मरियम नवाज़ ने लगाई है तो सर जी, वो तो पानी वैसे ही निकल जाना था, पानी तो निकल, अल्लाह मियां ने रास्ता बनाया खुद ही निकल जाता है, और बाद जो जिन जगहों पे खड़ा होता है वो होता ही होता है, वो तो चलो आप नून लिख के पानी का इशू मैं कह रहा हूँ और नून लिख पे तनकीद कर रहे हैं। मैंने वोट भी नहीं दिया इस दफा और दूंगा भी नहीं, वोट देने वाली कहानी कोई नहीं, अपने दिल पे हाथ रखो, जितने यहाँ पे खड़े वोट देना बनता है, किसको दे, किसी को, अब पाओ बैठे में जुमात सलामी वाले, आप मुझे बताओ कितने बंदे निकले हैं घर से, वो देखो सारी दुनिया चल रही है, किसी को फिक्र ही नहीं है, या तो पैसा ही बड़ा लोगों के पास, लोग जेब से निकालते नहीं है, फिर रोई जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि या फिर आप झूठ बोल रहे हैं कि इतने बिल आए हैं, कोई गया था, कितने बंदे हैं वहाँ पे मुझे बताओ, वो फिर एंड पे यही होना, उन्हें अपनी दिहाड़ी लगा के साइड पे हो जाना, जब जाना ही नहीं किसी ने, ये तो वहाँ पे 5 करोड़ बंदा इकट्ठा होना चाहिए था, वो पेट्रोल का बिजली के पीछे गया हुआ है, 5 करोड़ बंदा, हर बंदे का मसला है, कोई भी नहीं गया, कितना आपका कितना बिल आया, आप क्यों गुस्से में, मेरी बात सुने, मैं तो बिल की, मैं आपको सिर्फ लॉजिक दो बातें बता रहा हूँ, एक बंदा है उसका 200 यूनिट पे या 199 यूनिट पे कुछ नहीं है, जैसे ही वो 201 होता है उसका जीना हराम हो जाता है, होता है ना, और भाई खुदा के बंदे 200 तो वैसे ही आ जाता है लोगों का, और पंखे से चल, और कईयों के तो फ्रिज भी नहीं है घर में, उनको 200, एक बंदे को काली तस्वीर भेजी हुई है, ये पैनोरामा में बैठा हुआ, 80,000 रुपया बिल डाला हुआ उसको, और नंबर ही नहीं है मीटर के, बड़ा एहसान करके उसको 40,000 रुपया किया है, उसको ये पता नहीं मेरे यूनिट कितने हैं, अगर अच्छा ये कर्जा लेते क्यों है यार, जो हमसे ही लेके देना है, सारी बातें छोड़, हमसे लेकर देना है तो लेते क्यों, वो पहले ही ले लो फिर हमसे, वो किधर जाते हैं जो लेते हो, कर्जा लेते हैं ना और बाद में चीजें महंगी करके हमने वापस करना है, हाँ तो देना, पूछ के तो नहीं ले रहे, तो सर वो पहले ही ले लो भाई, उनसे लो ही ना, हमसे ही ले लो, मिनट बाद आ जाते, हमारा दिल खून के आंसू रो रहा, केड़े रो रहा है यार, घरों में तुम्हारे जनरेटर लगे हैं, सोलर लगे हैं, आओ तुम्हें बताऊं जरा, ब्रेक रात गुजारो जरा, किसी के घर में जिसके घर में UPS भी नहीं है तुम्हें पता लगे खून के आंसू कैसे रोते हैं, तुम्हें क्या पता हो, बातें सुन लो तुम्हारी, ये बात ये है कि जिस तरह हम ये जितनी वाहन खड़ी हम इसी काबिल है, हमने अपने आप को बदल नहीं, हम ऐसे ही ठीक है, हमने बदल ही नहीं है, इत्तेजाज के लिए 5,000 बंदा जाता है, ऐसी वो पुलिस वाले आते पीछे देखो 50 बंदे खड़े होते, 950 गायब हो जाता, ऐसे नहीं होना, कश्मीर वालों ने करवाया करवाया ना, कैसे करवाया, ऐसे होना है, और ये हमारे में इतना वो है, कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे सब ठंडे हैं, गुजर रही है, रोज सुबह उठते हैं कामों पे आ जाते हैं, रात को घर चले जाते हैं, गुजर नहीं रही, आपसे पता क्यों बदला ले रही है हुकूमत, कि आपने वोट नहीं डाला, देना ही नहीं, फिर भुगते देना किसको भाई, भुगते और दो के भी तो निकलना ही नहीं किसी का, आपने जिसको आप नून लीग वाली बातें नहीं कर रहे, नहीं नहीं जिसको देना आपने उसको पढ़ना ही नहीं है वोट, वोट तो उन्हीं को पढ़ना है जिनको किसी ने चाहना है, आपको सब पता है, चक्कर ही कोई नहीं, कैसे इलाज चल रहे हैं घर के, नहीं नहीं ये देखें बात ये है कि आपको सिंपल सी बात बताऊं, अगर एक दुकान लुट गई है ना मुझे कोई देगा मैं किसी कीमत पर नहीं लूंगा भाई, ये तो डिफॉल्टर हुई भी है, इमरान खान को रहने देते, जलील होने देते, ख्वार होने देते, हम भी किसी को कहने वाले बनते, ठीक है ना, कि ये इसलिए हुआ है, चलो माना जी वो जो ठीक है, जो लीगल तरीके या कोई एग्रीमेंट किया वो वाम के आगे लाने चाहिए थे। आपकी जिंदगी कैसी कट रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, भेजना है चाहे कुछ, आप उनको तो हम हटा नहीं सकते, खाना खाना है, देखे ना आप उसके बगैर तो आपका गुजारा नहीं है ना, जो आपकी लीगल वो है शुक्र है, लेकिन ये कहने का मकसद है ऐसी गुजरनी है आपका, आप ये कहो ना कि अच्छी हो जाए या फला, वो बैठे बैठाए होनी कोई नहीं, 3 साल बाद कोई और आ जाएगा रंडी रोना यही होगा, ओए हमें टाइम नहीं पूरा करने दिया जी, हमें तो बस तबाह कर दिया, हमने बस करने ही वाले थे, हम ये कमेटी मेरी निकलने वाली थी बस, वो माल कमेटी किसी और की निकल आई, सर जी कुछ नहीं होना, ना इस आवाम का कुछ होना ना किसी और का कुछ होना। जी नाज़रीन आपने आम आवाम की गुफ्तगू सुनी, तमाम अहबाब बिजली के बढ़ते हुए जो बिल है उससे बहुत ज्यादा परेशान है, और वो कह रहे हैं कि हम जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं हमें उसका बिल देने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो इजाफी टैक्स है उसकी वजह से मामला और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान हैं इन्होंने इलेक्शन से पहले जो जो सुहाने ख्वाब दिखाए, जो जो वादे किए, जो जो यहाँ पे आके इनको कहा गया कि इन्हें मिलेगा वो इन्हें दिया जाए, वो चाहे 200 यूनिट कहा गया हो, वो चाहे 300 यूनिट कहा गया हो, या वो इनको जो भी इनसे वादे किए हों, और तमाम हुक्मरान जो हैं इस वक्त जो इक्तदार में हैं उन्हें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि अगर आप
इस तरह वादे करके पूरे नहीं करेंगे तो अगले इलेक्शन जरूर नहीं है, अगली बार ये लोग आपकी कही गई बातों पे यकीन नहीं करेंगे। ये आज का प्रोग्राम था, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।